ओ भाई क्या प्यारा व्यू है, आप लग रहा है जन्नत है। सो यहाँ पे गाड़ी फंस गई, हमारा प्लान सारा खराब हो गया। हमारी गाड़ी भी आ गई, यहाँ से हमें गाड़ी लेके जाना था, पर यहाँ से गाड़ी लाना भी बड़ी बेवकूफी वाली बात है। सब बर्फ फेंक रहे, वो नीचे आपको पार्क दिख रही होगी, वहां जाके हम केक कट करेंगे उस पार्क के अंदर में। उतर उतरना आराम से, आराम से गौरव वहां बैठ बैठ के उतर रहा है, केक लाना कितना मुश्किल हो गया भाई। सेलिब्रेशन, जींस पहनी है ना, साइड 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 साइड। यहाँ पे बना रहे मस्त रील्स, कितना गहरा है। हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? आप सबको अंजू की तरफ से एक प्यारी सी गुड मॉर्निंग भी बज रहे हैं भाई, दिन की एक गुड आफ्टरनून भी। तो अभी हम उठे, क्योंकि यहाँ पे बिस्तर में ना बड़ा अलग से फील आता है। अभी उठे, अभी कैमर भाई भी आए, अपने कैमर इशफाक भाई वो बाहर है, उनकी गाड़ी में हम जाएंगे। जहाँ कहाँ रहे पता नहीं, बस साहिल भाई ने की प्लान किया, जहाँ हम केक कट कर रहे थे, जो 300K हमारे कंप्लीट हुए आप सबके प्यार और सपोर्ट से, उसका हम केक कट करेंगे। किस लोकेशन में करेंगे वो पता नहीं, बस हम गाड़ी पर जाएंगे, पर थोड़े कपड़े लेंगे क्योंकि ठंड बहुत है। फेयर मैंने ले लिया, अभी पहना नहीं है। वो सामने रहा भाई अपना जानी, और वो साहिल भाई की गाड़ी वहां पे आगे भाई, भाई की गाड़ी पे। अभी तो भाई कैमर भाई को भी पता है कहाँ जा रहे, पर कैमर भाई से पूछा, कह रहे मेरे को भी नहीं पता कि कहाँ ले जा रहे साहिल भाई। मेरे अपने कैमर भाई, बाइक सारी भाई के हाथ में। जहाँ साहिल भाई को मर्जी होगी वही ले जाएगा, हमको थोड़ी बड़ी बड़ी बर्फ है वहां जाएंगे, हमारा काम है चिल करना बस। अब साहिल भाई है, एक भाई हो रहे हैं, उनकी ये शॉप है साहिल भाई के दोस्त केसर भाई, पता नहीं वो कहाँ गए, उन्हीं का वेट कर रहे हैं, वो आए ना फिर निकलेंगे यहाँ से। आज बाजार पूरा बंद बंद ही है, आज बंद क्यों है सही में? शनिवार है, थोड़ा बारिश का मौसम है तो देखो कोई रश नहीं है। कल हम जब ट्रक ले गए थे बहुत रश था यार, पूरा मार्केट। अरे टैंकी किस तरफ है पता ही नहीं यार, इसको टैंकी किस साइड पे, ट्रक का सोच के चला गया, ट्रक पे टैंकी राइट साइड है, इस पे लेफ्ट साइड है। डाल दिया पेट्रोल भाई, यही पता हम कह रहे थे, ट्रक में डालने आएंगे ना तो ये बोलेंगे टैंकी खोलो, और यहाँ पे इन्होंने खुद ही खोली। हमने 800 का डाला, 1000 रुपए का इन्होंने खुद खोल के डाला। अगर हम डालेंगे ट्रक में 30,000 का बोलेंगे नीचे उतर के टैंकी खोलो, यही फर्क है भाई छोटी गाड़ी और ट्रक में। आगे बढ़ते जा रहे हैं, यहाँ पे हम साहिल भाई लेके जा रहे हैं, देखो कितनी बर्फ ना, ये पूरे सेब के बाग है, सेब के पेड़ की कटिंग हो गई है। ट्रक लेके जाना था, 2-3 हज़ार का तेल ज्यादा, ट्रक में मजा आता सर। अब जा रहे, देखो ना कितना प्यारा व्यू है यहाँ पे, कोई घर नहीं है, सिर्फ सेब के बाग दोनों तरफ और बर्फ ही बर्फ। पहुंच जाएंगे इधर से, अगर पहुंच जाएंगे यार, कितना शॉर्ट सा रास्ता, कार का ही रास्ता है इसमें, ट्रक भी नहीं आता भाई, बात दिमाग में। देखो सिर्फ सेब के बाग है गाड़ी, वो सामने रही उमर भाई की गाड़ी। उमर भाई आपको हम पक्का लेके आते ना, बट अब गाड़ी में जगह ही नहीं है। ये देखो उमर भाई की गाड़ी यहाँ पे घर पे खड़ी की उमर भाई ने, ये उमर भाई की गाड़ी। उमर भाई का गांव देखो कितनी ज्यादा बर्फ है, उमर भाई के गांव में पूरे बर्फ के ढेर यहाँ पे। अभी चलते जा रहे, पता नहीं कितना और जाना है, पर काम तो हमने पूरा खाली करे, बढ़ गए किलोमीटर पहुंच, बर्फ भी आ गया, कोहरा भी आएगा, रोड पे दोनों कोने से चिनार चौक, चिनार चौक गोपालपुर, यहाँ पे मेरी फूफी रहती है। चिनार खाने वाली चीज है ना, चिनार खाने वाली चीज है, चिनार के पेड़ होते बड़े बड़े, फल का नाम। ओ भाई क्या प्यारा व्यू है, आप लग रहा है ना जन्नत है, पर जन्नत ठंडी बड़ी है। ओ वाह यार, अभी वो पहाड़ पे शायद जाएंगे ऐसे लग रहा है। ओ वाह, ये पुल ना पहले कुलगाम का सबसे बड़ा पुल था, लेकिन अब बन गया दूसरा वाला पुल जो वहाँ पे बाईपास पे है ना, और ये देखो नजारा पूरा बाय बाय एकदम मस्त। अब आप खुद सोचो कि हम जा कहाँ रहे और करने क्या जा रहे, इतनी प्यारी सी लोकेशन, अनुज भाई को कुछ ना कुछ सरप्राइज देना ही था, कुछ अलग सरप्राइज देना था। आज मैं आपको बताना चाहूंगा एक ऐप के बारे में, मतलब एक ना हॉबी के बारे में, जो मैं जिसमें मैं खेल के काफी पैसे आदमी करता हूँ, मतलब मैं अपने एक्स्ट्रा खर्चे खुद ही निकालता हूँ, आप भी उस पर अपना एक्स्ट्रा खर्चा निकाल सकते हो, उसका नाम है बायनामो। ये बिल्कुल इजी है, इस पर ना आपको ज्यादा कुछ नहीं करना, अपना अकाउंट बना के ना ग्राफ में पैसे लगाने, ग्राफ आपको डाउन जाता है उससे आप काफी पैसे अर्न कर सकते हो। मैं तो ऑलरेडी खेल रहा हूँ, अगर आपको अकाउंट बना रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाएं, कमेंट में जाएं, कमेंट पिन कर रखा है, वहां से इसको आप डाउनलोड करें। जैसे आप अकाउंट बनाएंगे ना आपको 10,000 का बोनस, $10,000 आपको जो जैसे ट्रायल के लिए वहाँ पे मिल जाएंगे। तो मैंने अपना स्टार्ट किया था, 3,000 मैंने विदड्रा किए, मतलब इसमें मैंने ऐड किए, वहाँ से मैंने खेलना स्टार्ट किया। देखो आपको खेल के दिखाता हूँ ये कितना इजी है।
जैसे मैं पैसे लगाता हूँ इस पे, देखो मैंने एक मिनट में कितने पैसे जीत लिए, बस सिर्फ ग्राफ पे ऊपर नीचे ग्राफ जाता है, और इन जीते हुए पैसों को आपने मतलब कभी भी 24/7 कभी भी अपने अकाउंट में किसी भी UPI फोन पे पेटीएम किसी भी ऐप के द्वारा किसी भी सोशल मीडिया के द्वारा अपने आप अकाउंट में बैंक खाते में आसानी से इसको ला सकते हैं। तो भाई देरी किस बात की, खेलिए और एक्स्ट्रा पैसे बनाइए, पूरा 10K करा दो जल्दी से, और एक केक कटेगा और एक प्यारी सी लोकेशन आपको दिखाएंगे, जल्दी से जल्दी इश्फाक भाई के 10K करा दो, फिर बस केक पार्टी खाएंगे, फिर और एक केक पार्टी और वो नई जगह पे डिफरेंट साथ पे काटेंगे। और अभी ये देखो हम जा, अभी आप देखोगे ना हमें अंदर से जाना है और वो रोड कैसा होगा, यहाँ से हमें लेना है राइट, सपोर्टर वाला राइट बच गया वो यहाँ से खाली पा, ये वही पेड़ है जिसे नाव बनती है ना, इस पेड़ से नाव बनती है, देवदार का पेड़, वो बड़ा महंगा होता है यार मूवीज में आता, देवदार का, देवदार खाली कश्मीर में और कहीं भी नहीं है इंडिया में, और ये बहुत महंगा है, जाएंगे ना वापस वहाँ से खाली आपको ये मिलेंगे देवदार के पेड़, पहाड़ के अंदर से जाएंगे ना, पहाड़ के अंदर से बिल्कुल, मतलब सुरंग है जैसे वो, अरे पहाड़ पहाड़ वो ऊपर पहाड़ है ना उसी के साइड साइड पे चल, ये देखो बर्फ गिर रही है, अब आपने बोला, अब गौरव ने हर बार वीडियो में बोला साहिल भाई को हम एक साल से जानते थे, घुमाया नहीं साहिल भाई ने, साहिल को घुमा रहे आज ये सेलिब्रेशन, तो आप इश्फाक भाई के 10K करवा दो फिर से एक सेलिब्रेशन, फिर जाएंगे गुलमर्ग, गुलमर्ग जा कुलगाम, कुलगाम नहीं सॉरी पहलगाम, गुलमर्ग पहलगाम में मजा नहीं है आज, गुलमर्ग आज खाली गुलमर्ग यार, मुझे ना गुलमर्ग में वो होती है जो केबल ठंडे ठंडे सेब भाई ना, सेब ठंडी जगह में होते हैं, तभी हिमाचल में होते हैं, हिमाचल में बर्फ पड़ती है ना, यहाँ कश्मीर में तो बहुत ही पड़ती है, ये बर्फ अभी एक महीना खत्म नहीं होगी यहाँ पे, बहुत ज्यादा बर्फ है भाई, जो यहाँ के सेब है ना वो पत्थर के बराबर होते हैं, बहुत मजबूत होते ठंडे इलाके में है ना, गौरव और गए थे साहिल भाई आगे, और अपने आगे है जाम, कोई ना ट्रक फंस गया बर्फ में, तो अब यहाँ से मैं और कैमर भाई पीछे कर रहे गाड़ी धीरे धीरे, अब लेट हो जाएंगे, लंबाई घूम के जाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ 5-8 किलोमीटर दूर, और बर्फ की ये बर्फ है भाई, ऐसा नहीं है कि कोई नीचे ना ऐसे मटेरियल पड़ा हो उसके ऊपर बर्फ है, पूरी बर्फ है नीचे, बिल्कुल प्लान है ये। सो यहाँ पे गाड़ी फंस गई, हमारा प्लान सारा खराब हो गया, तो अभी ये सब धक्का दे रहे हैं, लेट मी सी, उस्ताद के पास जगह भी नहीं है, हमारी गाड़ी भी आ गई, चलो निकाल लिया, हमारी गाड़ी फंस गई है, हम थोड़ी गवर्नमेंट ड्राइवर है, देखो कैसे बर्फ आ रही है यहाँ पे, निकाल दी भाई ऐसी जैसी, हमने हाथों की हालत अपनी खराब होगी, कैमर भाई के मेरे भी, आगे फिर से उसी रोड पे रुक गई यार जहाँ से हमें जाना है, ओ यार कोई और रास्ता नहीं है लंबा थोड़ा सा, हम निकलेंगे अब यही उधर से, यार कहाँ जाओगे, इधर से पहुंचेंगे वापस, उसको बोला साहिल को हमें जाने के यार बहुत ज्यादा बर्फ है साहिल भाई, यहाँ से बर्फ आने नहीं चाहिए यहाँ पे ना, पर चलो क्या करना यार, बर्फ भी पड़ना स्टार्ट होगी ना, हम भी फंस जाए यहाँ, यहाँ इसके मौसम पे भरोसा नहीं है, हाँ ये देखो ना बर्फ कितनी ज्यादा पड़ रही है, अभी देखो तो ये बर्फ पड़ रही है भाई, देखो गाड़ी के ऊपर, यहाँ पे फिर से फंस गया, वो उस तरह मुड़ गया, उस तरह मुड़ गया, बर्फबारी भी स्टार्ट होगी इसी के साथ भाई, थोड़ा हमारा टाइम वेस्ट हो गया ना, मतलब थोड़ा नहीं 2-3 घंटे, क्योंकि गाड़ी फंसी थी वो आपको नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिलेगा, पूरी गाड़ी फंस गई थी, हमने कैसे गाड़ी को धक्के से निकाला, हेल्प की अपने ड्राइवर भाई की, यहाँ पे तो कितनी ज्यादा पहले भी बर्फ है और बर्फ पड़ रही है वापस से, क्या प्यारा व्यू है भाई यहाँ पे पहाड़ों का यार, साहिल भाई फोन आप ही के पास रहेगा, देखो यार जब ना साहिल भाई के घर में आते हैं, एक तो हम अपने चलो हमारी गाड़ी का वहाँ पे ना 200 का वो लेते हैं, मतलब पर्ची काटते हैं म्युनिसिपैलिटी वाले, पर हमारी काटते माना साहिल भाई तो वहाँ के उनकी भी काटते हैं, और अभी हम मारुति लेके जा रहे हैं इसमें भी 20 रुपए की काट दी, बर्फ ना वो अपने घर से उठा के बाहर होने का, यहाँ से आगे जाने का यार क्या यार,
धंधा बना के रखा सिर्फ लूटने का बस। और क्या लूटो। तुम देखो बर्फ के ऊपर ऊपर चल रहे हैं, बर्फ के ऊपर, यहाँ पे गाड़ी फंसने का भी खतरा रहता है। रोड पे जो है बर्फ मौजूद है वो देखिए, तकरीबन यहाँ पे 3 फुट बर्फ होगी। बहुत ज्यादा बर्फ है, आराम से निकलना भैया, आराम से जाना भैया, डर लग रहा है। बराबर वाद उस पे चलो चलो धीरे धीरे, और उसको गाड़ी यार पीछे से स्लिप कर रही है। हां बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पे यही मुश्किल हो जाती है यार, बड़ी गाड़ी को साइड देना काफी दिक्कत हो जाती है। अब देखते हैं वो देखो भाई कहाँ कहाँ से बर्फ से, अब निकल जाएगी गाड़ी, अब निकल जाएगी, मगर अब हमारी वाली अब ये फंस रही है पर चढ़ जाएगी चल के। यहाँ पे ये रहता है ना फंस के, भैया आराम से निकल लो, फंसने से गाड़ी टच ना हो जाए दूसरी गाड़ी से, नुकसान हो जाएगा उनका भी हमारा भी, फायदा नहीं कुछ। बर्फ पड़ भी रही है और कितनी बर्फ है यहाँ पे। साहिल भाई कहाँ ले आया यार, गाड़ी नहीं चल रही है यार, तो मजा है जिंदगी का मजा। वो यार पेड़ देखो यार, बर्फ पड़ी है यहाँ पे, पेड़ देखो यार ऊपर बिल्कुल पहाड़ आगे। यहाँ से रास्ता ही गाइस हमारा बंद हो गया, टायर कहाँ घूम रहा है वो, यहाँ से जाना था मेरा रास्ता ही बंद है पूरा, आराम से आराम से। ओ हेलो, ओ कहाँ से ब्रेक करो, पीछे करो, पीछे कर लो, बाद में बर्फ ज्यादा हो जाएगी। देखो ये देखो ये देखो, बस मोड़ के जा लो, रखेंगे यार ऐसे कोई बात। यहाँ से मैं गाड़ी लेके जाना था, पर यहाँ से गाड़ी लाना भी बड़ी बेवकूफी वाली बात है, सूखी है ना। ओ हेलो भाई, बर्फ मेरे ऊपर फेंक रहा है। अपना केक वगैरह लेके एक अलग जगह पे, सबसे यादगार हमारा ये रहने वाला है। और देखो एक चीज है यार, मतलब मन शांत है। हाँ यहाँ पे शांति है, ऊपर देखो, ऊपर देखो टैंकी, बर्फ आज तक पड़ी है, इतनी बर्फ यहाँ पे। और हम देखो बर्फ के ऊपर चल रहे हैं, बर्फ फेंक रहे पास पास यार केक खराब हो जाएगा। ओ यार सबसे ज्यादा बर्फ है, पूरा वाइट ही वाइट, और यहाँ पे इंसान ना अपना है निकालेंगे वहां पे। ओ भाई परील उठा, मैं लिखूंगा के मारता, मैं भी उठाऊंगा, मैं यहाँ लिख। ये देखो भाई ये मैंने लिखा है यहाँ से सही, आते आते टाइम दिखाऊंगा ये लिखा ही होगा। बाकी भाई लोग तो अपने आगे चले गए, साथ में जा रहे हैं, मतलब ब्लॉग अलग टाइप का रहने वाला है, बहुत बहुत मस्ती कर रहे हैं हम, और फर्स्ट टाइम इतने हम दूर आए, मतलब इतनी बर्फ तो मैंने लाइफ में पहली बार देखी है, कोई इंसान नहीं यहाँ पे, देखो कितनी बर्फ है, यहाँ से जानवरों के पाँव के निशान, ये रोड रोड में देखो कितने, एक एक गेट से ऊपर फर्क, यहाँ से वाटरफॉल है नीचे, अगर मैं इसमें पाँव रखूँगा ना इतना पाँव जा रहा है पीछे, पूरा ही चला गया गाइस। यहाँ नीचे कुछ है, वाटरफॉल है शायद, मैं भी देखता हूँ आगे से। ओ यार नीचे क्या खूबसूरत पार्क और वाटर पार्क है, वो नीचे आपको पार्क दिख रही होगी, वहाँ जाके हम केक कट करेंगे उस पार्क के अंदर में, काफ़ी यादगार रहने वाला है। पहाड़ी के ऊपर और झरने सब जमे पड़े, पूरी बर्फ ही बर्फ यहाँ पे, ये एक ऐसा है पॉइंट हम कभी लाइफ में भूल नहीं सकते, जो हम इंजॉय करने आए। ये देखो भाई ये देखो यार वाटरफॉल, वाटरफॉल की तरफ फटते हुए, यहाँ प्लान है पूरा, ये बर्फ आपको दिख रही है, रास्ता बनाया इन्होंने काट के, एक बार भाई व्यू एंजॉय करो। क्यों भाई गांव कहाँ से घूम के जाना पड़ेगा हमको, इधर से वहां से रास्ता ही नहीं आगे,
हम उसी रास्ते में जाना, हमें गलत चले गए थोड़ा, हमें यहाँ से नीचे जाना है, यहाँ से हमें नीचे जाना है भाई, पर यहाँ से बड़े ध्यान से हम जाते, गिरे ना अगर तो टांगे में टूट सकती हैं और लग भी सकती है भाई। आप सबके लिए इतने दूर आए, इतना अच्छा व्यू आपको दिखाने के लिए, तो भाई लाइक शेयर कमेंट जरूर करें भाई। काफ़ी रिक्स लेके यहाँ पे आए हम भाई, प्लीज़ कमेंट करके बताएं यार, वो भाई 300K लिख लिख के ना पूरे कमेंट बॉक्स भर दो भाई। ये देखो ना, इसी को जन्नत कहते हैं भाई, देना लगनी नहीं चाहिए यहाँ पे, क्योंकि गिरोगे तो बहुत नीचे जाओगे। उतर उतरना आराम से, गौरव बैठ बैठ के उतर रहा है, केक लाना कितना मुश्किल हो गया भाई, आराम से भाई, ध्यान लगे नहीं सबसे आगे तो मैं ही हूँ, पर बड़े ध्यान से बिल्कुल पाऊँ। पकड़ पकड़ के आराम से यार, आराम से उतर। वो दो बंदे कहाँ गए? वो भी पीछे, आने दो उनको यार, यहाँ से उठाएंगे। अब हम पहुंचे यहाँ, क्योंकि यहाँ पे बर्फ थोड़ी कम है, क्योंकि है यहाँ पे नेचुरल पानी, और भाई सबसे प्योर पानी जो देखो पहाड़ के ना बीच से आ रहा है, वो देखो पहाड़ के अंदर से, वो देखो दोनों पहाड़ों के अंदर से पानी आ रहा है। हाँ ये तो ठंडा नहीं है, बर्फ कम है, ये पानी कम ठंडा है। पहुंच गया अपनी मंजिल पर, ये एक वाटरफॉल, और यहाँ पे आप देखो बर्फ जमी पड़ी है और इस पानी में बर्फ आ रही है, इतना प्यारा वाटरफॉल है। यहाँ हमें ऊपर केक कट करना टॉप पे, यहाँ से चढ़ते हैं पहले जल्दी जल्दी से ऊपर। क्या कर दिया भाई यहाँ पे मैंने, देखो उधर ठीक है, उधर बर्फ में खड़े होंगे ना, उधर ही आगे पीछे बीच में पैर रखी लगाओ जोर। देखा आपने लापरवाही का नतीजा, बाबू लगाओ जोर। मैंने केक को जोड़ दिया है, चलो पहले ही फट गया। सेलिब्रेशन थ्री हंड्रेड के, थैंक यू गाइस, जो भी देख रहे हैं लाइक करके कमेंट कर देना भाई। हो गए सब कंप्लीट। ओ यार हमारे कैमरा में क्या नाम कहाँ के फंस गई हमारी, सबसे मस्त खा लेंगे पहले करो सेलिब्रेशन। तो हम अमित भाई को बधाई, बर्फ कितनी तेज थी, गौरव खिलाया जाएगा अभी, अमित भाई को बधाई दे रहा हूँ। हाँ जी बर्फ का कलर देखो नीचे, कॉन्ग्रेट्स। हाँ इतनी मेहनत 300 के, ऐसे आगे बढ़ते रहो, आधे पेज भी आ रहे हैं, आधे पेज भी आ रहे हैं भाई, वो ये क्या हुआ मेरे को, अरे मेरे को क्या, मेरे को कौन सो गाइस केक तो हो गया हमारा। गौरव भाई आप भी खिलाओ। अरे इसको बात खराब करना के ना, खिलाना था केक, खिलाओ तो ये था सेलिब्रेशन, अब इसके बाद रिले होंगी भाई, जल्दी जल्दी कैमरा भाई के टेन के ग्रो एक ये आप देख ही सकते हो लोकेशन। तो निकलते हैं यहाँ से घर के लिए, सही भी गौरव जा रहा है धीरे धीरे, यहाँ से मैं भी बैठ के साइड।
भाई यार मैं डायरेक्ट ही आ गया। जींस पहनी है ना। साइड 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 कैमर भाई की गाड़ी टप उड़ा। ओ पीछे साहिल भाई भी। आराम से ओ यार इधर भाई बना रहे मस्त रील्स। कितना गहरा है पूरा गिर गौरव इधर इधर आ जा। पूरी छलांग लगा। बोला बोला अरे गिर रही बोला फोटो तो लो ना ना इसको आराम से जा चलते हैं फिर पैर। वहां से सेलिब्रेशन करके आगे ऊपर भाई हालत देखो कपड़ों के देखो पूरी बर्फ सभी यही भी बीच में। अब निकलते हैं यहाँ से काफी टाइम हो गया काफी एंजॉय किया यहाँ पे प्यारा सा बर्फ हमने क्या किया। अभी हम चलेंगे घर पे वो देखते हैं शायद शाम को कान भाई भी निकलेंगे या साहिल भाई से पूछते हैं क्या करेंगे रुकेंगे। ओहो भाई यार व्यू बताना कैसा लगा आपको यार। बस मेरे को अब एक ही मेरे पे है ड्रीम में एक बार अपनी फैमिली को यहाँ पे लेके आऊँगा मतलब अपने मम्मी पापा और उनको यहाँ पे लेके आएंगे अपने दूसरा भाई है उसको लेके आऊँगा गौरव घूम गया बस वो रह गया और पेरेंट्स को यहाँ लेके आऊँगा पक्का भाई आई प्रॉमिस उनके लिए कमा रहे हैं। ये उन्होंने कब व्यू देखा होगा भाई आज तक हल्के पाँव चढ़ेंगे आराम से हल्का हल्का कोहरा है यहाँ पे ना अभी बर्फ है देखो बर्फ मारुति से ऊंची बर्फ है भैया साइड हो जाओ मोशन तोड़ गया ना फिर नहीं चढ़ेगी ये फंस जाएगी उसके बाद और हम जा रहे हैं वापस घर की तरफ अंधेरा पड़ने वाला है। पहुंचने वाले हैं बिहारीपुर अब बस जाके सीधा बिस्तर में पहुंचने वाले नहीं है शायद गाइस पहुंच गए हम बिहारीपुर नहीं ये उतरा ही उतर के यारीपुर आ जाएगा। अभी हम कैमरा घर बाइक घर जा रहे हैं अभी वहां बहुत दूर है ये यार यहां फोटो तो पहुंच गया फोटो तो फोटो तो फोटो तो ओए सब आने चाहिए ना।